हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करने का। नॉर्मली हम लोग के पास जो टू डिजिट नंबर्स है उसके स्क्वायर हम लोग इजी वे से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आज हम लोग आज के टॉपिक में सीखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स नंबर। हम लोग टू डिजिट के कुछ नंबर से उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इजी वे से। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर मीन्स क्या होता है। नॉर्मली किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर करने का है, दैट मीन्स 5 × 5। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन आएगा, 5 × 5 = 25। तो इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग जो फर्स्ट 1 to 10 नंबर से उसके स्क्वायर तो हम लोग को नॉर्मली पता रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर रहेगा तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर रहेगा तो 64 आएगा। तो ये नॉर्मली हम लोग को 1 to 10 के स्क्वायर रहते हैं, वो अच्छी तरह से याद रहते हैं। लेकिन अगर नंबर बड़े रहेगा तो उनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो उनके स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं जिसमें ये जो नंबर है इसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने का। उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है 27 का स्क्वायर। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, आपके पास यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं, एक है 2 और 1 है 7। तो दोनों का हम लोग सेपरेटली स्क्वायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर आएगा आपका 49 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो इस तरह से इन दोनों का पहले हम लोग ने स्क्वायर लिखा है। देन आपको यहाँ पे तीन नंबर दिख रहे हैं, एक्चुअली ये 2 है, ये 7, दैट इज 27, और इसके ऊपर हम लोग ने स्क्वायर लिखा है। तो इन तीनों का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज 2 × 7 = 14, 14 × 2 = 28। तो यहाँ पे हम लोग को 28 लिखने का, लेकिन 28 लिखते वक्त हम लोग पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, दैट मीन्स 28 हम लोग यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अभी इस दो नंबर का हम लोग एडिशन करेंगे। तो इसका एडिशन करने के बाद आपके पास नंबर आएगा 9 + 0 = 9, 4 + 8 = 12, कैरी 1, 4 + 2 = 6 + 1 = 7। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 729। तो इस तरह से हम लोग ने एकदम इजी वे से ये स्क्वायर फाइंड आउट किया। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल 43 का स्क्वायर है, सेम करेंगे, लास्ट का जो डिजिट है आपका, लास्ट का डिजिट है 3, उसका स्क्वायर आएगा 9। अब ये सिंगल डिजिट है तो हम लोग इसको 09 लिखेंगे। देन 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर आएगा 16। ओके, देन हम लोग ने जैसे कहा कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, पीछे से एक डिजिट छोड़ के 24, यहाँ पे आ गया आपका 24। एंड देन इसका एडिशन सिंपली, ये 9 का 9 एज इट इज, 0 + 4 = 4, 6 + 2 = 8, और ये 1 का 1। अगर आप लोग ट्राई करोगे 43 × 43 तो आपको सेम आंसर मिलेगा, 1849। अभी कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, आपके पास नंबर रहेगा 95। सेम प्रोसेस है, लास्ट वाला डिजिट है आपका 5, उसका स्क्वायर आएगा 25। देन आपके पास है 9, उसका स्क्वायर आएगा 81। अभी आपको इन तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने का है, दैट मीन्स 9 × 5 × 2, 9 × 5 = 45, 45 × 2 = 90, पीछे से एक डिजिट छोड़ के आपको 90 लिखने का है। तो ये आ गया आपका 90। अभी इन दोनों का एडिशन, ये 5, ये 2, ये 10, कैरी 1, ये 9, 90। अभी इसका आपको एडिशन करने का है, 5 का 5 आएगा, 2 + 0 यहाँ पे 2 आएगा, 9 + 1 आपका 10 आएगा, कैरी 1, 8 + 1 = 9। तो इस तरह से आपका स्क्वायर आ गया है 9025। तो देखो आप लोग ने 95 जैसे बड़े नंबर का भी स्क्वायर निकाला, वो भी एकदम इजी वे से। और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आपके पास है 57, उसका स्क्वायर करने का है। सेम प्रोसेस, लास्ट वाला नंबर है आपका 7, उसका स्क्वायर आएगा 49। देन उसके बाद है 5, 5 का स्क्वायर आएगा 25। देन आपके पास ऊपर जो तीन डिजिट है उसका मल्टीप्लीकेशन, 5 × 7 × 3, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 70, पीछे से एक डिजिट छोड़ के आपको लिखने का है 70। एंड देन इसका एडिशन, 9 का 9 आएगा, 4 + 0 आएगा 4, 5 + 7 आएगा 12, कैरी 1, 2 + 1 आएगा 3। तो इस तरह से आपका इसका 57 का स्क्वायर आ गया 3249। तो इस तरह से आप लोग ये स्टेप फॉलो करके 1 to 100 के बीच में जो भी नंबर है उनका स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।